दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसे अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उसे ऑनलाइन एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उस फाइल को आप एक्सेल से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब से भी आपसे कोई फाइल मांगता है तो मेरा जो ओपिनियन है कि आपको एक्सेल में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप उसे एक्सेल में दोगे तो सामने वाले के दिमाग में क्या है उसे चेंज भी कर सकता है या अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए हो अगर आपसे कोई डाटा मांगे तो आपको उस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप एक एक्सेल की फाइल को बिना स्कैन किए कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन मेथड के बारे में। सबसे पहले मैं जो भी आपको एक्सेल की फाइल कन्वर्ट करनी है पहले उसके पास जाना है। जैसे मैंने फाइल बना रखी है एक्सेल टू पीडीएफ, पहले हम ऑफलाइन मोड से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ। तो ये बिल्कुल भी आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन तरीके से आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसे दिखा रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन मेथड से इसे सिखाऊंगा। अब जैसे दोस्तों ये फाइल है एक्सेल की, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी पीडीएफ आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उसे आप ऑटोमेटिक इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या सिंपल क्या करना है, सिर्फ फाइल में जाना है जहाँ से भी आप प्रिंट देते हैं। मेरे लैपटॉप में अभी जो है विंडो 10 है, आपके में 7 हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आपको क्या करना है, वहां से जाके प्रिंट की कमांड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट की कमांड पे क्लिक करोगे, जहां पे आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हो वहां पे आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मेरे यहाँ पे पीडीएफ 24 है। आपका जो सिस्टम है उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, उससे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे अडोब कुछ भी हो सकता है। तो अडोब है तो अडोब सेलेक्ट कीजिएगा। अब मैंने पीडीएफ 24 है उसको क्लिक किया, और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करना है। अब देखो दोस्तों ये ऑफलाइन तरीके से पीडीएफ फाइल, एक्सेल की फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो रही है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको सेव टू पीडीएफ। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है, और ये मेरी फाइल पीडीएफ में बनके तैयार हुई है। अब मेरे से पूछ रहा है आपको इसको सेव कहाँ पे करना है, तो मैं एक्सेल टू पीडीएफ इसको अपने फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। ऑफलाइन मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसको सेव। दोस्तों ये आपकी फाइल थी जो कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है ऑफलाइन तरीके से, बिल्कुल आसान है। और ये देखो दोस्तों, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये जहाँ पे सेव हुई है, ये देखो। ये मेरी पीडीएफ फाइल बिल्कुल रेडी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। दोस्तों ये जो मेथड था, ये जो तरीका था, ये ऑफलाइन था। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तब आप इसे ऐसे कर सकते हैं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। दोस्तों वैसे तो गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं सबसे अच्छी वेबसाइट है, मैं उस पर आपको ले के जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, ऑनलाइन बट टू लगाना है, न्यूमेरिकल टू और एक्सेल टू पीडीएफ वहाँ पर कर देना है। तो ये आपकी ऑनलाइन टू pdf.com वेबसाइट, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर उसका साइन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। तो ऑनलाइन टू pdf.com ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। मेरा जो इसके साथ बाकी के साथ मैंने काम किया है वो भी अच्छे हैं, बट ये मेरे को उनसे बेटर लगी, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। और अब यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट फाइल लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, और जो भी आपका फोल्डर जहाँ फाइल है उस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है।
एक्सेल टू पीडीएफ ऑनलाइन, और ये मेरी सिलेक्ट हो गई और आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपकी फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड होगी। अगर आपको कोई दूसरी फाइल करनी है तो कन्वर्ट अदर फाइल पे जाओ, अदरवाइज आपकी फाइल डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो चुकी है, वहाँ से आप उसे उठा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन हमारी पीडीएफ तैयार है, अब इसको कॉपी करके मैं इसको वहीं पे रख देता हूँ। हमें दोस्तों इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखो। दोस्तों आज की वीडियो हमने क्या सीखा कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे एक एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपका अपना सुटेबल आंसर ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।